भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। शनिवार को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद लता जी को दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने 92 उम्र में अंतिम सांस ली। वो पिछले काफी समय से मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें कोविड हुआ था। कोविड से तो उन्होंने जंग जीत ली थी, लेकिन फिर भी स्वर कोकिला जिंदगी की जंग जीत नहीं सकी। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट कर लता जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूँ। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा है। उन्होंने दर्शकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा है। फिल्म से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। आखिरी ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, मैं इसे अपना सम्मान मानता हूँ कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला है। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रही है। लता दीदी के निधन पर मुझे अपने साथी भारतीयों के साथ शोक है। उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।